हेलो दोस्तों, ई एडमिट कार्ड आने लग गया है आपका एलपी और टेक्नीशियन का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए। तो उसमें जो पॉइंट्स हैं उस पर मैंने वीडियोस बना दिए हैं, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसमें, ये आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट और अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियो को जाकर देखें। उसमें एक पॉइंट है आपका 18 नंबर पॉइंट, ठीक है, उसे समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पर सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखा के मैं आपको बता दूंगा कि इस पॉइंट में क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट देखते हैं क्या है। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रोविजनल और रेगुलर डिग्री डिप्लोमा 10+2 ITI NTC NSE शुड कंटेन द डेट ऑफ इशू। तो जो भी आपके सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे डिग्री है आपके LP के लिए डिग्री चाहिए और ITI चाहिए आपके टेक्नीशियन वगैरह के लिए, तो जो भी आपके पासिंग सर्टिफिकेट है या डिग्री है उसमें आपका क्या है, डेट ऑफ इशू चाहिए कि कब आपका इशू हुआ है वो डेट। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो इसका नोटिफिकेशन जब तक इंड होता है LP का, उससे पहले आपको अपना डिग्री कंप्लीट कर लेना चाहिए, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो अपना कंप्लीट कर लेना है। तो इसके लिए इसने बोला है इसमें कि डेट आपका रहना चाहिए डेट ऑफ इशू। इन केस डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस सर्टिफिकेट आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ नोटिफिकेशन, देन द कंसोलिडेटेड मार्कशीट विद डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका डेट ऑफ इशू इन सर्टिफिकेट्स में जो नोटिफिकेशन इंड होता है डेट उससे बाद का है, तो आपको जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो चाहिए जिसमें कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन रहना चाहिए रिजल्ट का, और इंडिविजुअल मार्कशीट ऑफ ऑल द सेमेस्टर विथ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इच सेमेस्टर रिजल्ट शुड बी सबमिटेड। और अगर उसमें भी आपका डेट नहीं है तो आपका क्या चाहिए, इंडिविजुअल मार्कशीट चाहिए ऑल सेमेस्टर का। अगर आपने डिग्री किया होगा इंजीनियरिंग डिग्री, तो उसमें क्या होता है कि सेमेस्टर वाइज मार्कशीट मिलता है, हर सेमेस्टर में टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं तो उसमें सेमेस्टर वाइज मार्कशीट मिलता है, तो उसमें क्या है वो आपको प्रोड्यूस करना है। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डेट इन एनी ऑफ दिस सर्टिफिकेट, देन ए सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फ्रॉम द टेक्निकल बोर्ड काउंसिल NCVT SCVT और यूनिवर्सिटी टू दिस इफेक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर इन सब में भी डेट नहीं है आपका, एक्चुअली इन सब सर्टिफिकेट में आपका डेट तो रहता है जब भी आपको रिजल्ट आया है उसका, लेकिन अगर उसमें भी नहीं है तो आपको क्या करना है कि जिस भी बोर्ड से आपने किया, जैसे इसमें लिखा है आपको नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और ये होता है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, तो या जो भी यूनिवर्सिटी से किया है आपने, वहाँ से आप जाके अपना एक सर्टिफिकेट बनवा लें कि हाँ हमने इस डेट को अपना जो डिग्री है या जो भी अपने एजुकेशन है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अगर आपको डिग्री नहीं भी मिला है तो आप जाके एक सर्टिफिकेट वहाँ से जाके बनवा सकते हैं। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको सर्टिफिकेट दिखाऊंगा और क्या क्या इसमें बोल रहा है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए कि जो आपका LP और टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन है उसका इन डेट है आपका 30 अगस्त 2013, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान रहा हूँ मैं, ठीक है, 30 अगस्त 2013 आपका इंड हो जाता है। अब उसमें पहला पॉइंट क्या लिखा था कि आप अपना डिग्री सर्टिफिकेट लाएं जिसमें आपका डेट ऑफ इशू जो है रिजल्ट का लिखा रहे। तो ये एक मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का है, जैसा कि आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो इसका ये डिग्री सर्टिफिकेट है। तो मैं आपको डिग्री में दिखा रहा हूँ कि डेट क्या है। तो डिग्री में देखिए डेट है 16 सितंबर 2013, इन डेट कब था आपका नोटिफिकेशन का, 30 अगस्त 2013। तो क्या होता है कि डिग्री जो है आपको जब आपने कंप्लीट कर लेते हैं अपना पढ़ाई, तो उसके बाद कुछ मंथ बाद आपका डिग्री मिलता है, या किसी किसी का तो एक साल के बाद भी मिलता है, ठीक है, कई कई जगह। तो क्या होता है कि अगर इसमें आपका बोला गया है पहला पॉइंट में कि डेट अगर आगे का दिया हुआ है, जैसे कि इसमें आगे है, तो आपको क्या दिखाना है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट। तो ये देखिए कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, तो इसमें क्या होता है कि जब आपने कंप्लीट कर लेते हैं अपना डिग्री जो पढ़ाई अपने कर रहे हैं, तो उस समय आपका इशू हो जाता है ये, ठीक है, और उसी में उस समय का ही उसमें डेट लिखा रहता है। तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होता क्या है, तो इसमें टोटल जितने भी सेमेस्टर हैं, तो ये एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो टोटल इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं 4 ईयर्स में, तो उन सारे ईयर्स का इसमें डेटा रहता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ,
इसमें टोटल 8 सेमेस्टर के डिटेल दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ठीक है, फोर्थ फिफ्थ और आपका सिक्स्थ सेवन्थ और एट्थ, ये टोटल सेमेस्टर जो भी हैं उसमें आपके मार्क्स वगैरह दिए रहते हैं, जो भी अब ग्रेड आया है कब आपने, इसमें मंथ और ईयर जो है पासिंग का वो सब सारा दिया रहता है ठीक है, और इसमें डेट भी दिया रहता है, जिसमें डेट आप क्लियरली देख सकते हैं क्या लिखा है, 24 जून 2013, तो देख रहे हैं इसमें डेट उसमें पहले का दिया हुआ, क्योंकि इसने पहले कंप्लीट कर लिया अपना डिग्री तो इसमें पहले का दिया रहता है। और एक होता है आपका, अब बोल रहा है अगर इसमें भी डेट नहीं रहता आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट में डेट नहीं रहता है तो आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट दिखाना है ठीक है, तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट में मैं आपको उसके 8th सेमेस्टर का मार्कशीट दिखाता हूँ, क्योंकि बाकी सेमेस्टर की तो ज़रूरत नहीं है दिखाने की, क्योंकि 8th सेमेस्टर क्योंकि फाइनल आपका होता है तो उसमें भी डेट देख लीजिए क्या लिखा है, 24 जून 2013, उसमें भी सेम डेट लिखा है, क्योंकि जब आपका कंप्लीट होता है जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं लास्ट एग्ज़ाम तो उसके बाद रिजल्ट आता है तो आपके पास इशू हो जाता है ये आपका 8th सेमेस्टर का मार्कशीट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट और आपका जो होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट या पासिंग सर्टिफिकेट वो भी एक साथ इशू हो जाता है, तो उसमें सारे में डेट सेम ही रहता है, तो मैं आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें लिखा है कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है जिसमें डेट इशू है वो आपको लाना है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या पासिंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं उसे, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपका, तो इसमें भी क्या डेट लिखा है, 24 जून 2013, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डेट इसमें सेम लिखा रहता है, तो ये आपको लेके जाना है, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भी लेके जाना है और आपके पास अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जाना है, तो मैंने आपको टोटल आपको मार्कशीट एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया। अब क्या है, अब मान लीजिए ये सब भी आपके पास अवेलेबल नहीं है ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपने जो भी यूनिवर्सिटी से आपने कम्प्लीट किया है, कॉलेज से कम्प्लीट किया है डिग्री, तो वहाँ पर जाना है आपको और अपना बताना है कि मैंने एग्ज़ाम दिया था और ये है, अपना डिटेल्स वगैरह जो भी आपके पास प्रूफ है वो लेके जाना है और बोलना है कि मुझे एक सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए, तो वहाँ पे क्या है कि आपका सिंपली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो भी है वो आपका लिख के उसमें, और वो लिख देंगे कि हाँ आपने यहाँ से डिग्री कम्प्लीट की है ठीक है, और डेट के साथ आपको वहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, आई होप कि जो मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन बनाई बताई उससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो थैंक्स दोस्तों।